अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं होममेड सावर क्रीम। ये भी रिक्वेस्ट थी काफ़ी बच्चियों की जिन्हें नहीं मिलता है, सिंपली ये भी घर पर बन जाता है। आपको चाहिए इसके लिए सिर्फ डबल क्रीम हो जाए या हैवी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम जो आपको मिल जाती है वो आपको चाहिए। बीच में आपको चाहिए होगा इसके लिए लेमन जूस फ्रेश। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आपका लेमन जूस है आप क्रीम के अंदर यूँ ऐड करते हैं और आप पहले इसको हल्का सा पहले मिक्स कर लें और सिर्फ एक से दो मिनट इसको पहले छोड़ दें। एक से दो मिनट छोड़ देने के बाद आपने सिंपली आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में जो है थिकनेस आनी शुरू हो जाती है। अब आपने एक फॉक की मदद से या फिर जो हैंड का विप होता है, सॉरी विस्कर होता है, उसके साथ में आपने इसको यूँ फेंटना है जब तक कि ये थिक हो जाए। ये देखिए आपके सामने ही मैं इसको फेंट रही हूँ और फेंटते फेंटते ही ये परफेक्टली आपकी सावर क्रीम बन जाती है। अब यहाँ पर ला करके ये हो चुकी हुई तैयार। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको किसी डिप के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर में नमक डाल लें, काली मिर्चें डाल लें, काफ़ी डिफरेंट आपको ड्राइड हर्ब्स मिल जाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं और इसको डिप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो जिस तरीके से काफ़ी स्वीट डिशेज केक्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है तो आप इसको वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया है होममेड सावर क्रीम। ये आपकी होममेड सावर क्रीम, आप इसे डिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि डिफरेंट ड्राइड हर्ब्स बीच में डाल लें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं केक्स और मीठी रेसिपीज़ में भी, वेजिटेबल्स के साथ में भी, फ्रेश वेजिटेबल्स काट करके आप इसके साथ खा सकते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ कुक विद फायज़ा.net पर। बनाइए, देखो कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।